हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, काफ़ी समय से आप कमेंट किए जा रहे हो कि सर इसका जो हमारा एग्ज़ाम है वो हमें कब तक देखने को मिलेगा। कौन सा वाला? NBS के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी पोस्ट के लिए, JSA हो गया आपका, MTS हो गया, अदर पोस्ट हो गई प्लम्बर वगैरह की, है ना, आपका स्टाफ नर्स हो गया, जितनी भी ऑल पोस्ट निकली थी NBS के लिए, उसके एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है? अभी तक इसका एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ है? मार्च में इसके फॉर्म भरवा लिए गए हैं, हमारा पैसा वेस्ट गया क्या? क्या सारी चीज़ें हैं, चलिए आज इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट का भी यहाँ पर एक थोड़ा सा अंदाज़ा हमें लगने वाला है, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि जो मंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमें इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। ठीक है, तो पूरा ऑफिशियल दिखाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं केवल मुंह से ही नहीं बोलूँगा, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी ऑफिशियल होंगी। ठीक है, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं पहले। अब देखिए, मैं हूँ यहाँ पर, ये है NTA की वेबसाइट आपकी। ठीक है, ये किसकी वेबसाइट है आप देख सकते हैं। ओके, NTA की ये वेबसाइट है, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, NTA की ये वेबसाइट है, मैं NTA की वेबसाइट पर हूँ। यहाँ से नवोदय की ये केवल तीन ही अपडेट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं चलिए एक और अपडेट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब ये क्या है, ये है आपका जब आपका नवोदय के लिए फॉर्म निकले थे, कब का नोटिस है? 22 मार्च का। ठीक है, 22 मार्च का नोटिस है, फॉर्म कब फिलअप हुए थे, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, एक थोड़ा सा आपको सिनेरियो पता चलेगा। 22 मार्च से फॉर्म निकले थे, 30 अप्रैल लास्ट डेट थी इसकी। ठीक है, बाद में इसे एक्सटेंड भी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थी लगभग, मतलब मई तक इसके फॉर्म चले थे, मई तक इसके फॉर्म भरे गए थे हमारे। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस। अब देखिए, ये देखिए, ये इसके साथ एक और आपकी नोटिफिकेशन निकली थी, इसके बाल निकली थी, हालांकि वो थी आपका गुजरात हाई कोर्ट को लेकर। ठीक है, ये है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, ये इसके बाद निकली थी। ठीक है ना, कब निकली थी वो भी आपको यह दिखा देता हूँ। देखिए एक सेकेंड, देखिए ये किसकी नोटिस है, ये आपकी है गुजरात हाई कोर्ट की, कौन सी है, 22 मई की। सोचिए, यहाँ हमने देखा कि ये जो नोटिस है, ये जो आप NBS वाला देख रहे हैं, ये कब निकला हुआ है, 22 मार्च, और जो आपका 22 मई को, यानी लगभग लगभग 2 महीने बाद ये नोटिफिकेशन निकलता है, किसका, गुजरात हाई कोर्ट का। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट का निकला 2 महीने बाद। ओके, बट अब क्या हो रहा है, अब इसके रिगार्डिंग एक नया नोटिस आया है गुजरात हाई कोर्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये है वो नया नोटिस जो कि आप देख रहे हैं, 27 सितंबर को ये रिलीज हुआ। ठीक है, कब रिलीज हुआ, 27 सितंबर को ये रिलीज हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस। ठीक है, आपको ऊपर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, NTA की तरफ से ये नोटिस निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड रुकिएगा, इसको अपन बड़ा कर देते हैं, इससे आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, देखिए ये देखिए, यहाँ 27 मार्च का ये अपडेट है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आपको पढ़ा देता हूँ मैं, कि कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 फॉर वेरियस पोस्ट इन दी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट एंड लेबर कोर्ट अंडर रिक्रूटमेंट ड्राफ्ट 2024। यानी कि भाई ये लोग पता नहीं किस पद्धति पे काम कर रहे हैं, मतलब इसका नोटिस 2 मंथ बाद निकला है और इसका एग्जाम इन्होंने ले लिया, मतलब ले लिया, मतलब लेने वाले हैं। ठीक है, डेट अभी बता रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको इसका दिखाता हूँ। देखिए NBS के बारे में दिखाता हूँ कि NBS के रिगार्डिंग ये लोग कौन सी चरस फूक फूक के बैठे। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, 1 मिनट, देखिए मैं यहाँ जाता हूँ, और यहाँ से देखिए नवोदय का मैं आपको दिखाता हूँ, कोई अपडेट नहीं भाई, इतनी सी भी अपडेट नहीं। देखिए यहाँ क्लिक करके मैं नवोदय वाले सेक्शन पर चले जाता हूँ, और यहाँ से हम नवोदय वाले सेक्शन खोलेंगे, केवल देखिए बस यही है ना, जो आपके स्टार्टिंग में जो चीज़ें हुई थी कि वैकेंसी नोटिफिकेशन हुआ है ना, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, फिर एक्सटेंशन डेट की, फिर डेट की एक्सटेंशन, और यहाँ पर करेक्शन की विंडो, बस इतना ही इवेंट यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और प्रोसेस इन्होंने नवोदय की ओर से चलाई हुई है, कौन सी वो प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगी ये वाली LDC एग्जामिनेशन वाली। ठीक है, LDC एग्जामिनेशन में भी केवल 2 ही चीज़ें यहाँ पर दे रखी है लोगों ने। ठीक है, और इसकी जो प्रोसेस चालू हुई थी वो उसके बाद हुई, देखिए 27 मई को, यानी कि गुजरात हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के बाद इसकी जो प्रोसेस है चालू हुई है, जो कि LDC एग्जाम होते हैं, यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। तो हो सकता है कि ये इसको भी पहले करा दें, यानी कि जो आपका एक्चुअल एग्जाम होता है, जो ओपन भर्ती होती है, उसके पहले ये डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है NBS का, उसको कंडक्ट करा लें यहाँ पर, ऐसा भी ये कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं गुजरात हाई कोर्ट वाले ने क्या बोला है। ठीक है, देखिए ये गुजरात हाई कोर्ट का, इसमें इसने कौन कौन सी डेट दी थी वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सी डेट्स दे रखी हैं इसने, ये देखिए 22 मई से, सॉरी ये वाला तो आपका ये वाला है। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जाम डेट वाला नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ठीक है, ये डेट है, ठीक है,
ये डेट्स इसने दे रखी हैं कब से कब तक इसके एग्जाम होने वाले हैं गुजरात हाईकोर्ट के, तो 20 अक्टूबर से तो स्टार्ट होंगे और 27 अक्टूबर यहाँ पर चलने वाले, 3 शिफ्ट पर डे आपकी होने वाली यहाँ पर, ठीक है। तो 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, ठीक है। फिर क्या है, फिर आपका इसी दौरान दिवाली आ जाएगी, फिर 28, 29, 30 में तो, ठीक है। और लगभग 4 तारीख तक का आपका संडे है, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ पॉसिबल नहीं है, अब इसके बाद सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि गुजरात हाईकोर्ट के बाद वो NVS का LDCE वाला लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, ये वाला एग्ज़ाम करा दे। तो हम ये उम्मीद मान के चलते हैं कि आपका जो एक्चुअल जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो आपके NVS के फॉर्म निकले थे, ठीक है, जो नवोदय विद्यालय के जो आपके फॉर्म निकले थे जिसमें JSA वगैरह की पोस्ट थी, तो कब तक ये एग्ज़ाम होगा मैं देखिए एक अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ अभी भी, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है कि कब ये क्या चीज़ें कर दें। बट एक मोस्ट इस बार हम मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे, क्योंकि इस बार चीज़ें जो हैं थोड़ी सही रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं एक और आपको हिंट दे देता हूँ, देखिए मैं चलता हूँ यहाँ पर, मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले जो अपडेट दी थी लास्ट, मेरा वही वीडियो था और मैंने वो भी आपको ऑफिशियली ही वीडियो जो है यहाँ पर क्लिप सुनाई थी। ये मेरा था NVS एग्जाम अपडेट बहुत जल्द होने वाला है, ये मैंने आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी, हो सकता है कि यहाँ पर आपको आवाज़ आए, देखता हूँ। देखिए मुझे इसमें पता नहीं कि आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, कि हमको कि ऑडियो अंदर से जा रहा है, तो इसमें मैंने आपके सामने उसको कॉल मतलब कॉल कर लिया था और आपको इसमें रिकॉर्डिंग सुनाई थी। NTA के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनसे मेरी क्या बात हुई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि इसके जो NVS का एग्जाम होगा उससे पहले आपका गुजरात हाईकोर्ट का एग्जाम होने वाला, उसने ये हिंट दी थी। यानी कि अब देखिए गुजरात हाईकोर्ट का एग्जाम आ गया तो हमारा भी एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा फिर भी आपको 10-20 सेकंड सुना देता हूँ, शायद आपको आवाज़ आए। ये मेरी जो है वार्तालाप हुई थी लगभग 2 मिनट 21 सेकंड। तो चलिए ठीक है, आपने सुन लिया होगा अगर आवाज़ आई होगी तो, ठीक है, नहीं आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए, तो अब क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है एग्जाम के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट क्या लिख रहा हूँ, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ NVS एग्जाम, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है NVS एग्जाम की, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो जहाँ तक मेरा मानना है भाई कि नवंबर 20 के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ठीक है, नवंबर 20 के बाद। और जैसे ही इसका मुझे लग रहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में कुछ ना कुछ हमें अपडेट देखने को मिलेगी, नवंबर के फर्स्ट वीक में इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस वगैरह, या इसी तरीके से जैसे गुजरात हाईकोर्ट का इन्होंने एक नोटिस दिया है जिसमें एग्ज़ाम डेट को लेकर इन्होंने बात कही है, तो वो सारी चीज़ें लगभग हमें पता चल जाएंगी नवंबर के फर्स्ट वीक तक, जहाँ तक पूरी उम्मीद की जा रही है यहाँ तक, ठीक है। और नवंबर 20 के आसपास और 15 दिसंबर से पहले पहले आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है इस दौर इस ड्यूरेशन में। तो अभी तक जो कैंडिडेट जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके थे, लग जाइए फिर से तैयारी में, ठीक है। और बस अब देखिए ये हम एक्सपेक्टेड ही मान सकते हैं और एग्ज़ाम आपका बिल्कुल होगा, ठीक है। जैसा कि उसने बोला था कर्मचारी ने कि गुजरात हाईकोर्ट का भी फॉर्म फला हुआ है, डाला हुआ है, तो उसको हम पहले कंडक्ट कराएंगे। तो इस रिगार्डिंग देखिए, हालांकि उसके फॉर्म बाद में भरे गए बट उसका एग्ज़ाम उन्होंने पहले ले लिया, तो उसने जो बात बोली थी यहाँ पर तो सो चीज़ें वो हैं चल रही हैं, ठीक है। तो हम इसी को देखकर एक अंदाजे लगा सकते हैं। तो बाकी आपकी तैयारी क्या है, तो भाई तैयारी करिए अब, ठीक है। और जिस दिन इसका नोटिस आ जाएगा मैं भी उस दिन से आपकी क्लास स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी से मैं पढ़ाऊँगा, आप पढ़ोगे नहीं कोई मतलब नहीं है, बाकी आप अपने एंड से पढ़ते रहिए। और जैसे ही इसके एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी मैं आपके लिए जो मैराथन्स वगैरह हैं वो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। बाकी और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं कमेंट करूँगा, 100% कमेंट करूँगा, ठीक है। ओके, या आप वीडियो बना के आपको रिप्लाई दे दूँगा। ओके तो इतना ही रखते हैं फिर इस वीडियो में। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपका जो NVS की वेबसाइट है वो चल नहीं रही है, मैंने बहुत सर्च मारा है तो यहाँ पर ये चल ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों क्या हो गया इसको, ठीक है। NVS की पता नहीं सर्वर डाउन है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, वेबसाइट नहीं चल रही है, ठीक है, वो बार बार यही मुझे दे रहा है। तो देखते हैं NVS की वेबसाइट कब तक वर्क करती है। ओके तो दोस्तों इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, कि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करिएगा क्या डाउट आपका निकल कर आ रहा है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।